सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड आज इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। आप लोग ने बहुत मुझे कमेंट में ये पूछते हो, आप मुझे व्हाट्सएप में डेली पूछते हो कि आप किसी फ्रेंड को रिलायंस स्मार्ट मनी पे डीमैट अकाउंट में जो रेफर किया था वो बंद ने तो सक्सेसफुल ओपन किया था, अभी लॉग इन भी कर लिया था। आपका डैशबोर्ड में ये भी शो हो रहा है कुछ इस तरह से जो अकाउंट फुली एक्टिवेट, ठीक है, आपको इस तरह शो भी होता है अकाउंट फुली एक्टिवेटेड, फिर भी आपका कुछ भी वाउचर इशू नहीं होता है, नॉट इशू होता है। तो मे बी आप जैसे बहुत फ्रेंड को ये इशू हो रहा है, तो मैं आप इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों आपका सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग में भी वाउचर मिलता ही नहीं है, ठीक है। आप भी देख सकते हो, ये मेरा ही डैशबोर्ड है, किस किस को अकाउंट ओपनिंग में वाउचर मिला था, किसी किस को वाउचर नहीं मिला था, तो क्यों नहीं मिला था वो भी आज इस वीडियो में बता दूंगा। सामने ये भी आपका सोल्यूशन दे दूंगा, आपको हर सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग में वाउचर पक्का मिलेगा, बहुत ही आसानी से मिलेगा, इसलिए करना क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद लाइक करो, आपका फ्रेंड्स शेयर कर देना। साथ में फिर आपको एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क लाइट इस चैनल में पहली बार विजिट किया था तो प्लीज यार इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है वो क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि इस चैनल में मैं इसी प्रकार का रेगुलर जेन्युइन वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कुछ क्वारी है तो कॉमेंट से जरूर कॉमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मिल भी जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का पॉलिसी नंबर 1 आपको मैं बता देता हूँ, मे बी ये पॉलिसी बहुत ही पुराना है, आप लोगों को ये भी बात पता है जो पॉलिसी नंबर 1 क्या होता है, मतलब सक्सेसफुल रेफर एंड अर्न कब होता है। मान के चलो आप किसी फ्रेंड को आज ही कोई लिंक की शेयर किया था रेफर करने के लिए, वो फ्रेंड ने जिस दिन उस लिंक पे क्लिक करके उसका मोबाइल नंबर एंड जीमेल को रजिस्टर कर लेंगे, ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे, उसी दिन से उसका काउंटडाउन स्टार्ट होता है एंड उसी दिन से नेक्स्ट 15 डेज जिस दिन में आपका लिंक के थ्रू कोई कस्टमर ने मोबाइल नंबर या ईमेल को वेरीफाई करेगा उस दिन से नेक्स्ट 15 दिन में अगर उसका अकाउंट फुल एक्टिवेट हो जाए एंड अकाउंट लॉगिन भी कर ले, तब जाके आपको 15 डेज बाद 500 का अमेजोन वाउचर मिलता है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो इसको भी जान लीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, किसी को अगर रेफर करो वो मेंबर ने रजिस्टर करने के बाद कोई भी कारण हो सकता है उसका अकाउंट पेंडिंग है, बट उसको 15 डेज नेक्स्ट 15 डेज में उसका अकाउंट फुल एक्टिव होना चाहिए, तब जाके आपका रेफरल अर्निंग मिलता है। अगर उसको 15 डेज बाद उसका अर्निंग अकाउंट एक्टिव होता है तो आपका रेफरल अर्निंग या लिंक्स जो भी बोलते हो लैप्स हो जाते हैं, मतलब आपको उसका कुछ भी मिलता नहीं है। ये पॉलिसी नंबर 1 इसको याद रखना है। बट मे मान जब खत्म हुआ था वहाँ पे कंपनी का फिर भी एक अपडेट आ चुका है पॉलिसी नंबर 2, जिसके कारण से आप ज़्यादा के ज़्यादा लोगों का वाउचर मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों मेरे पास ऐसा 2 क्लाइंट है जिसका वाउचर मिला नहीं है, तो उस कौन सा रीजन में मिला नहीं है इसलिए मैं आप उसको मेंशन करके कंपनी को मेल किया था। रिलायंस स्मार्ट मनी का रेफर अर्निंग का जो ईमेल आईडी होता है एड्रेस होता है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उस पर मेल कर सकते हो। तो अभी सीधे सीधे बता दिया था टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट हो चुका है एंड मैं जो 2 अकाउंट को मेंशन किया था उसको मेंशन करके रिप्लाई किया था। जैसे देखो, टू गेट द अमेजोन वाउचर द रेफरी शूट लॉग इन टिक प्रो मोबाइल ऐप और शूट ट्रांसफर मिनिमम 5000 मार्जिन अमाउंट विद इन 7 डेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग। इसका मीन है अकाउंट ओपनिंग का नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर उसी कस्टमर को टिक प्रो मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना है, लॉग इन करना है एंड 5000 रुपीज का मार्जिन डालना है, मतलब ट्रेड करना है जिसका मिनिमम वैल्यू 5000। अगर ये कंडीशन फॉलो कर लेते हैं आपका कस्टमर तो तब जाके आपका 30 डेज बाद आपको वाउचर मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही बुरी अपडेट है, तो मे भी यहाँ पे बहुत लोग निराश भी हो जाएगा क्योंकि मेरा बहुत सा फ्रेंड होते ऑनली रेफर आने करता है, कुछ भी ट्रेड काटता नहीं है, इसलिए बुरी खबर भी है। तो आपके लिए सोल्यूशन भी है दोस्तों, अगर आप चाहो तो रिलायंस स्मार्ट मनी में अनलिमिटेड रेफर कर सकते हो, इतना उस टर्म्स एंड कंडीशन होगा भी नहीं है। तो इसलिए तो करना क्या है, जैसे कि होता है पार्टनर प्रोग्राम, तो रिलायंस स्मार्ट मनी का भी एक पार्टनर प्रोग्राम होता है और वहाँ पे आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको ये झंझट में नहीं फेस करना पड़ेगा, ना आपको ट्रेड वगैरह करना है, ना आपको वाउचर का झंझट होगा, आपका जो अर्निंग होगा सीधे आपका बैंक अकाउंट में आएगा। सो दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट हो रिलायंस स्मार्ट मनी का पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए तो कॉमेंट में कॉमेंट जरूर करें, अगर कॉमेंट ज़्यादा आता है तो मैं डेफिनेटली इसका एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके सामने लाइव बता दूंगा रिलायंस स्मार्ट मनी पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन का
बेनिफिट क्या है, क्या इसे ज्वाइन करना है, अर्निंग कब तक आएगा, पूरा की पूरा डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल कभी सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बटन को ऑन कर दीजिए, आपको जितना सारा फ्रेंड है वहाँ पे शेयर भी कर दीजिए। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू सो मच।